गिवन है आपकी रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं सबके, और अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। नो गाइस, आपको मैं एक चीज बता दूं, जनरली हमको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी जाती है, हालांकि क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ही है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ अगर मैं इस वैल्यू को साल्ट ब्रिज पे रखूं तो क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो फॉर एग्जांपल ये इधर आ रहा है, यानी Cl2 से Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंने बताया था आपको अगर ये इन केस ऑक्सीडेशन होता तो लेफ्ट साइड में आ जाता। सो Cl2 ने जब दो इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तब 2Cl नेगेटिव बना, यानी ये रिडक्शन हो गया। सिमिलरली यानी अगर आप देखेंगे इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे प्लस थ्री टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी सिमिलरली सभी में अगर आप देखेंगे तो रिडक्शन ही हो रहा है इनटू इसमें इसमें इसके थ्रू इसमें। सो पहली बात तो ये हमने देख लिया रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं सबके। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बताएं, अगर ऑक्सीडेशन एजेंट हमें पूछ लिया गया तो हम कैसे देखेंगे। देखिए गाइस, इसका एक रिलेशन होता है कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया हुआ हो उसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटीज के, या फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटीज के। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटी और उतनी ही बुरी रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटी। ओके गाइस, समझ में आपको। सो इसका मतलब अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो इसका मतलब उस जो मेरा ये इलेक्ट्रोड्स हैं, हाफ सेल्स हैं, ये सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का होना चाहिए। समझ में आपको। नाउ अगर इन सब में देखें सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, इसका, राइट। नाउ अब देखिए ई नॉट सी आर थ्री प्लस और सी आर जो हाफ सेल है इसका माइनस 0.74 दिया हुआ है। अब ये हो कैसे रही है रिएक्शन, जब सी आर थ्री प्लस ने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तब उसके बाद ही सी आर में कन्वर्ट हुआ होगा। इसका मतलब अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, समझ में आपको, इसका हो रहा है रिडक्शन, और अगर मैं इसकी रिवर्स रिएक्शन ले लूं तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वी नो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है बिकॉज ये इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देके इसका रिडक्शन कर पा रहा है। इसका मतलब जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, सी आर। समझ में आपको कैसे बताया मैंने, जितना सबसे कम लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटी। इसका मतलब मेरा ये इसके थ्रू मुझे पता लग गया। अब सी आर थ्री प्लस होगा या सी आर होगा मुझे इसके थ्रू डिसाइड करा कि सी आर थ्री प्लस क्योंकि रिडक्शन करा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। समझ में आपको। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी सी आर।